नमस्कार, मैं हूं गौतम रोड़े। स्वागत करता हूं आपका हमारे शो जुर्म और जज्बात में। आत्महत्या एक बहुत ही संगीन जुर्म है और यह कमजोर मनोबल को दर्शाता है। दुनिया में हर मुश्किल से लड़ने का कोई ना कोई उपाय जरूर होता है, मगर कुछ कमजोर लोग ऐसे होते हैं जो खुद ही की जान ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में एक ऐसा ही हादसा घटा जिसने न केवल एक इंसान की जान ली, बल्कि उजागर किया एक ऐसा सच जिसने सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस जुर्म के पीछे एक बड़ी मजबूरी ही नहीं, एक बड़ा षड्यंत्र भी शामिल था, जिसके फंदे में उलझकर एक जान चली गई। आइए जानें इस आत्महत्या के पीछे की सच्चाई। हेलो, हाँ रेखा, कैसी है? बहुत दिनों बाद याद किया तूने। वो तो बिजनेस के काम से बाहर गए हैं, 2-3 दिन बाद आएंगे। क्यों, क्या हुआ? रेखा, तू क्या बोल रही है? ये ऐसा नहीं हो सकता। कौन सी फोटोज? प्लीज तू मुझे जल्दी से भेज। तो ये देखिए, मुझे तो मामला सुसाइड का लगता है।
मरने वाली का नाम स्वाति था, उसने पहले सुसाइड नोट लिखा, उसके बाद अपने हाथ की नस काट ली। घर की तलाशी लीजिए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए, और इस सुसाइड नोट को किसी हैंडराइटर एक्सपर्ट से मैच करवाइए, ठीक है? जाइए। सर, उन फोटोज की वजह से मेरी स्वाति की जान चली गई सर। कौन सी फोटोज? सर वही जो वायरल हुई थी सर। सर किसी ने बदनाम करके मेरी स्वाति की जान ले ली सर। सर आप उनको छोड़ना मत, उनको छोड़ना मत। जब आपको अपनी पत्नी की मौत का कारण पता है तो आपने कोशिश क्यों नहीं की उसे समझाने की, उसका हौसला बुलंद करने की, या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते थे? सर जब मेरे पास वो वायरल फोटोज आए तो मैं बहुत परेशान हो गया था सर। और फिर मैंने स्वाति को बहुत बार फोन किया पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। और फिर अमर का मुझे कॉल आया कि स्वाति ने अपनी जान ले ली सर। सर अगर एक बार स्वाति मेरा फोन उठा लेती तो आज वो जिंदा होती सर। भरोसा कीजिए, हम जल्द से जल्द उस इंसान को पकड़ेंगे जिसकी वजह से आपकी पत्नी की मौत हुई है। अपना ख्याल रखना। स्वाति तुम कहां चली गई? स्वाति स्वाति ये रहा आपका नाश्ता। अरे आज आप जल्दी जा रहे? वैसे अगर तुम कहो तो आज शोरूम जाऊं ही नहीं। क्यों? कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप शोरूम जाओ, खूब सारा पैसा कमाओ और मुझे दुनिया भर की सैर कराओ। क्या यार स्वाति, तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। अच्छा नाश्ता कर लो। नाश्ता मैं शोरूम में जाके करूंगा, लेट हो रहा हूं। अच्छा ये तो ले लो। अरे ये तो बहुत जरूरी है। ये आपका टिफिन। हाय, जल्दी आना। अमर सुनो, मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक तुम पूरा हॉल साफ कर देना, ठीक है? स्वाति जी ने बुलाया मसाज के लिए। मसाज? मैडम कोई मसाज वाली आई है? आई। तुम जाओ जाकर अपना काम करो। जी मैम। हाँ मैंने ही तुम्हें बुलवाया था, वो क्या है ना काफी दिनों से हमारी पीठ में दर्द हो रहा था तो हमने सोचा कि मसाज कराएंगे तो शायद थोड़ा आराम मिल जाएगा। जरूर मिलेगा, देखना आप अच्छा लगेगा तभी कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है आओ। चलिए बेडरूम उस तरफ है, आइए।
हूँ यहाँ पे। हाँ कैसा लग रहा है मैडम? अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। मैडम आप ना 1 वीक का पैकेज ले लीजिए, सही रहेगा आपके लिए। अभी ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, बट उससे ही सारा दर्द निकल जाएगा ना? निकल जाएगा मैम। ठीक है, ले लूँगी। आज के लिए ना आपका हो गया है, आप रिलैक्स कीजिए अभी। अब मैं चलती हूँ। ओके, थैंक यू। Sorry. It's okay. ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहले ही 3 महीने हो चुके, अब आप और 3 महीनों की बात कर रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शोरूम बंद करना पड़ेगा मुझे। देखिए, कैसे भी हो, कैसे भी करके पैसे निकलवाने का इंतजाम कीजिए, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। प्रभात, इतने परेशान क्यों? क्या सोच रहे हो यार? 3 महीने से सारी पेमेंट्स रुकी हुई, और अगर पैसा नहीं आएगा तो परचेसिंग कैसे होगी? 2 हफ्ते हो गए, शोरूम में कोई सेल नहीं हुई। वर्कर्स की सैलरी, शोरूम का रेंट, कैसे होगा ये सब? तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा ठीक यार, कैसे होगा ठीक? स्वाति, हम एक काम कर सकते हैं। क्या तुम अपने भैया से सिर्फ 20 लाख रुपए उधार ले सकती हो? हम 3 महीनों के अंदर उन्हें पूरे पैसे वापस कर देंगे। प्रभात, अगर मैं भैया से पैसे मांगूंगी तो वो सोचेंगे कि तुम उनसे दहेज मांग रहे हो। वैसे भी उन्होंने शादी के बाद इतना बड़ा घर दिया है ना हमें रहने के लिए, इसके बाद और कुछ मांगेंगे तो क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? प्रभात, तुमने नाश्ता नहीं किया? नाश्ता तो कर लो। भूख नहीं आज। देखिए, पहले तो आप मुझसे बदतमीजी से बात मत कीजिए, और रही बात पैसों की तो दोबारा कॉल मत करना। अगले हफ्ते मैं खुद आकर बैंक में पैसे जमा कर दूंगा, और मैंने फिर से कहा कॉल मत करना। प्रभात, ये लो। ये क्या? जिंदगी में सारी मेहनत तुम ही करोगे, कभी हमें भी मौका दो आपकी हेल्प करने का। नहीं स्वाति, मैं ये नहीं ले सकता, ये तुम्हारी शादी के जेवर है। अगर इन जेवरों से क्रेडिट कार्ड वालों का मुंह बंद हो सकता है तो इससे अच्छा इनका यूज क्या होगा? रख लो प्लीज। स्वाति,
स्वाति कहाँ हो तुम? स्वाति जल्दी आओ। अरे आ गए तुम? तुम बैठो, मैं पानी लेकर। अरे पहले तुम बैठो। क्या हो गया? अरे बैठो तो सही, ये लो। ये कैसे? अरे तुम्हारे जेवर है यार, तुम्हारे पास ही रहेंगे ना। पर ये देखो, पूरे 7 लाख रुपए। अरे जो पेमेंट अटकी हुई थी ना वो मिल गई, और बाकी की भी अगले हफ्ते मिल जाएगी। मैंने तुमसे कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। बस अब अगले हफ्ते बैंक जाकर सारे क्रेडिट्स क्लियर कर दूंगा, और फिर मैं ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। ठीक है? अरे ठीक है, एक बार बैंक के सारे क्रेडिट्स क्लियर हो जाए उसके बाद जितनी मर्जी शॉपिंग कर लेना। खुश? I love you. I love you. अमर मैडम, पानी। मैडम बहुत दिन हो गए हैं, इस महीने आप मेरी पगार बढ़ा सकती हैं? काम तो अच्छे से करते नहीं हो और पगार बढ़वाना है तुम्हें। आखिरी बार कह दे रहे हैं काम अच्छे से किया करो, वरना किसी और को नौकरी पर रख लेंगे हम। हटो। जी मैम। चेस। बहुत मिस करता हूँ। 5 साल हो गए उसकी शादी को, और तू अभी भी उसके प्यार में देवदास बना हुआ है। शादी क्यों नहीं कर लेता भाई? वही अपना पहला और आखिरी प्यार था, उसी के प्यार में जिया हूं, उसी के प्यार में मर जाऊंगा। भाई आज ही मेरा सारा उधार चुकता कर, फिर मैं कहां तेरे को ढूंढता रहूंगा। है? कर दी ना छोटी बात, जब देखो उधार की बात सुना तो मेरा पर्स। पर्स पकड़ ले, पकड़ मेरा मोबाइल। अब तेरा हिसाब और दोस्ती दोनों खत्म। निकल यहां से। तू ठीक नहीं कर रहा। मैं तुझे बोल रहा हूं तू ठीक नहीं कर रहा है। भाग यहां से। जान फरामोश कहीं का। बहुत पछताएगा तू। स्वाति का? जी मैडम बोली कि वो वॉक लेने के लिए बाहर गई हैं, घर पहुंचने ही वाली हैं। सर जब तक मैडम नहीं आती है मैं हेड मसाज कर दूं, आपको आराम मिलेगा। ऑयल मत लगाओ। मैडम आ गया? हाँ। इससे पहले तुम अपने नए कस्टमर्स बनाओ, हम आ गए। अरे संगीता तुम कहाँ जा रही हो? सर आप ही के घर जा रही हूँ, आज बहुत लेट हो गया। अरे मैं भी घर ही चल रहा हूँ, बैठो। नहीं सर इट्स ओके। अरे बैठो बैठो। थैंक यू सर। एक पेन लो।
गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, ये कहाँ मिली तुम्हें? घर की तरफ आ रही थी तो मैंने लिफ्ट दे दी। तुम्हारी मसाज वसाज से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे, दर्द तो वैसे का वैसा ही है। एक काम करो, अपना हिसाब चुकता करो आज और कल से आना मत। पर मैडम आपने तो एक हफ्ते का पैकेज लिया है ना। तुम्हारा पैकेज गया भाड़ में, बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? और ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की ना तो तुम्हारे ऑफिस में कॉल करके तुम्हारी इस घटिया सर्विस की कंप्लेंट कर दूंगी मैं, समझी? पर स्वाति तुम डांट क्यों रही हो उसे? तुम तो चुप ही रहो और अंदर चलो, कल से आना मत। ऐसा क्या हो गया था कि स्वाति अपनी जिंदगी का अंत करने का मन बना बैठी थी? स्वाति जो अपने पति को मुश्किल समय में लड़ना सिखाती थी, वो एकदम से कैसे हार गई? आखिर ऐसा क्या था जो उसकी जिंदगी में तूफान की तरह आया और सब तबाह कर बैठा, और किसी को उसकी कानों कान खबर भी नहीं हुई? क्या लिखा था उसने अपने सुसाइड नोट पर, और क्या थी वो गुत्थी जो अब सुलझने वाली थी? क्या वो कोई बात अपने अंदर काफी समय से दबाई बैठी थी, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो अपनी जान देने में मजबूर हो गई थी? खुलने को था एक बहुत बड़ा राज, एक साजिश, और कुछ ऐसे लोग जो जुड़े थे उसकी मौत के पीछे। आइए देखते हैं। सर, स्वाति के सुसाइड नोट में बस इतना ही लिखा है कि मैं दुनिया वालों के सामने अपनी बदनामी नहीं सहन कर सकती, मैं जा रही हूँ दूर, बहुत दूर। मगर सर उसने इस बात को मेंशन नहीं किया अपने सुसाइड नोट में कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन हो सकता है। अब हमें यह पता करना होगा कि फोटोज वायरल कैसे हुई और उसके इतने करीब कौन था जो उसकी फोटोज ऐसे ले सकता था, और सबसे बड़ी बात कि स्वाति के मन में ऐसा क्या गिल्ट था कि उसने ये बात अपने पति को नहीं बताई और इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं घर से, उसके नौकर अमर से। ओके सर। ये बता, तेरे पास 1,00,000 रुपए कहां से आए? रातों रात स्वाति की मौत से एक रात पहले तो तूने बैंक में पैसा जमा कराए थे। मैंने कुछ किया ही नहीं। इसका मोबाइल चेक करो। फोन दे अपना। अरे मैं बड़ा पैसे में इस पे कुछ फोन दे। अरे अपने फोन सब सब मेरा पर्स सब। सर ये सब क्या है? सर ये सब क्या? सर तो तूने ही फोटो वायरल की थी। मेरे को मैडम थोड़ी अच्छी लगती थी इसलिए मैंने सिर्फ उनकी फोटो खींची है। वायरल नहीं करी, मैंने कुछ वायरल नहीं किया मैडम, मेरा यकीन करिए। अच्छा ये बता कि तेरे पास 1,00,000 रुपए कहाँ से आ गए एकदम से? वो प्रभात सर आए थे, वो बैग में बहुत सारे पैसे लेके आए थे, तो मैंने उससे सिर्फ 1,00,000 रुपए मन में आ गए लालच, तो मैंने 1,00,000 रुपए चुरा लिए। बस इससे ज्यादा मैंने कोई गलती नहीं करी सर। अगर तूने ये फोटो नहीं खींची फिर ये गंदा काम और कौन कर सकता है? सर एक मसाज वाली आती थी संगीता, मैडम ने उसकी शिकायत भी कर दी, वो मसाज करने आती थी, मेरी कोई गलती नहीं। आप संगीता को पकड़ो ना। अभी चोरी के इल्जाम में तू अंदर है, लेकिन दिमाग में कुछ आए तो बोल सकता है, ठीक है? जल्दी छूट जाएगा, लेके जाओ इसको। चल मेरी कोई गलती नहीं है। अभी संगीता की बारी है। सुनवे, रोशन को देखा तूने? नहीं देखा भाई। मार दूंगा उसे आज, मार दूंगा रोशन। हाँ मैडम, सुना है स्वाति ने तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल देने की धमकी दी थी, क्यों? सर क्योंकि स्वाति मैडम को लगा मैं प्रभात सर के करीब आने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए। तो इसीलिए तुमने बदला लेने के लिए उसकी फोटो खींच कर वायरल कर दी? हाँ नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उल्टा जब स्वाति मैम को लगा कि उन्होंने मुझ पर फालतू का गुस्सा किया है तो उन्होंने मेरा 1 वीक का प्लान बदलवा कर 1 मंथ तक करवा दिया था। अच्छा ये बताओ कि स्वाति ने किसी के बारे में कुछ बताने की कोशिश की हो या फिर कुछ ऐसा लगा हो कि कुछ गड़बड़ है? नहीं सर। ठीक है तुम जा सकती हो। नजर रखना इस पे।
आसपास के जंगल की अच्छे से तलाशी लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के भेजो और जल्द से जल्द इसकी पहचान करवाओ। ओके सर। बताइए मिस्टर प्रभात, आपने हमें किस बात के लिए यहाँ पर बुलाया है? जी स्वाति की जो फोटो वायरल हुई कल, मैंने उसे ध्यान से देखा तो समझ में आया कि वो फोटो कम से कम 4 साल पुरानी तो पक्का है। कैसे? सर हमारी शादी को 4 साल हो गए और हमारी शादी के बाद ही स्वाति ने यहाँ अपनी गर्दन के पीछे एक टैटू बनवाया था जो उस फोटो में नहीं दिख रहा, मतलब फोटो पुरानी। माफ कीजिएगा लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपसे पहले स्वाति जी की जिंदगी में कोई? जी सर, राजीव नाम का एक लड़का था। स्वाति का उससे अफेयर तकरीबन 5 साल चला, पर उसके बहुत शराब पीने की वजह से स्वाति ने उसे छोड़ दिया था। राजीव, पता करो इस राजीव के बारे में। ओके सर। सर, जंगल से मिली बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्ड दोनों मिल गए हैं हमें। अच्छा, कौन था वो आदमी और उसकी मौत का कारण? सर, मरने वाले का नाम रोशन प्रजापति था और उसकी मौत किसी सर पर भारी चीज के लगने से हुई है। और पता करो कि इसे कॉन्टेक्ट में कौन कौन था और इसी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। ओके सर। सर यकीन ही नहीं हो रहा है ये सब हो गया। मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। मुकुल भाई, ये लो तुम्हारे शोरूम की चाबी, दोबारा से जीना शुरू करो और लाइफ का बड़ा मकसद बनाओ। तुम भी बिल्कुल अपनी बहन की तरह मोटिवेशनल गुरु, टूटकर बिखरने का मौका ही नहीं देते। अच्छा मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। जब हमने रोशन प्रजापति के बारे में पता लगाया तो इस बात का पता चला कि वो राजीव का दोस्त था। ये स्वाति वाला राजीव? हाँ सर। लोगों से पूछताछ पर ये भी पता चला कि राजीव के सर पर खून सवार था कुछ दिनों पहले और वो रोशन को ढूंढ रहा था। उसका नशा तो अब हम उतारेंगे। अंदर आ, ढूंढो उसे। ये पड़ा इधर, उठा उसको। उठ, 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 चल, चल, लेके चलो थाने। वो क्या मैम? वो थाने चल के बताएंगे क्या हुआ। गाड़ी में डाल उसको। अब तेरा नशा उतरा कि नहीं उतरा? बता, तूने प्रजापति को क्यों मारा? और स्वाति की मौत के पीछे भी तेरा हाथ है ना? बोल। सर मैंने नहीं मारा रोशन को और ना ही स्वाति की मौत के पीछे मेरा कोई हाथ है। हाँ सर, मैं ये मानता हूँ कि जो फोटो वायरल हुई वो मेरा ही फोन है, वो मैंने रोशन को भेज डाला था। सर ले पकड़ मेरा मोबाइल, अब तेरा हिसाब और दोस्ती दोनों खत्म। मेरा कसूर था सर, मैंने स्वाति की फोटो अपने मोबाइल से डिलीट ले की। सर उस रोशन से क्या है सब? अच्छा हुआ मर गया, अगर आज नहीं मरता तो मैं उसे मार डालता। उसी ने मारा मेरी स्वाति को। पता करो रोशन की मौत के दिन कहाँ था, और अगर ये झूठ बोल रहा है ना तो अब इसकी खैर नहीं। सर, ये रहे रोशन प्रजापति के कॉल रिकॉर्ड्स। सर इसमें से एक नंबर स्वाति के बड़े भाई मुकुल का भी है। साइबर सेल से हमें इस बात की भी पुष्टि हुई है कि जो फोटो वायरल हुए हैं वो राजीव के फोन से हुए हैं और उस वक्त उसका फोन रोशन प्रजापति के पास था, ऐसा राजीव का कहना है। इस मुकुल के बारे में ना और पता करो। और हाँ, ये रोशन प्रजापति की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उसकी जो मौत है ना वो 3 दिन पहले हुई थी रामनगर टोल नाका के आगे, तो वहां के सीसीटीवी खंगालो, जरूर कुछ मिलेगा। ओके सर। जी मुकुल भाई एक बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने हमेशा हमारी बुरे वक्त में मदद की, यहाँ तक कि कुछ दिन पहले वो यहाँ आए थे
और मुझे मेरे शोरूम की चाबी वापस करके गए जो मैं बेच चुका था। ये लो तुम्हारे शोरूम की चाबी, दोबारा से जीना शुरू करो। ये शोरूम बिकने वाली बात क्या स्वाति जानती थी? जी नहीं, मैंने उसे ये बात नहीं बताई। स्वाति मुझ पर बहुत भरोसा करती थी, मैं उसका भरोसा तोड़ना नहीं चाहता। मैं स्वाति से बहुत प्यार करता था और इसीलिए मैंने मन बना लिया था कुछ और बिजनेस करने का। अच्छा, मुकुल और स्वाति के बीच संबंध कैसे थे? जी अच्छे थे, बस उनकी बात बहुत कम होती थी क्योंकि मुकुल भाई हमेशा बहुत बिजी रहते हैं। उनकी दो दो फैक्ट्रीज है, उनका बिजनेस बहुत फैला हुआ। ऐसी कोई और बात मुकुल के बारे में जो आप हमें बताना चाहते हैं? जी ऐसा कुछ तो नहीं है, बट हाँ, स्वाति के मॉम डैड के मरने के बाद मुकुल भाई ने कभी भी वो विल स्वाति से शेयर नहीं की। वैसे भी वो हमें बहुत कुछ दे चुके, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं। मुकुल, आप लोग यहाँ? आपसे हमारा परिचय थोड़ा कम हुआ था तो सोचा आपके बारे में पता लगाया जाए और फिर आपसे मिला जाए। जो भी पूछना है जल्दी पूछिए, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज। बहन से भी इम्पोर्टेंट? कमाल है, जिस शख्स के फोन में वो फोटो मिली थी और जिस शख्स की वजह से उसने सुसाइड किया है, उसने तुम्हें भी कॉल किया था। देखो आप झूठ मत बोलना, रोशन प्रजापति की कॉल डिटेल्स के अनुसार तुम्हारी बात उससे 3 मिनट 40 सेकंड हुई है और ये वही शख्स है जिसके फोन में स्वाति की वायरल फोटो मिली थी। तो अब सच सच बता दो, ये तो ऐसी खातिरदारी होगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। आया था मेरे पास उस ब्लैकमेलर का कॉल, 50 लाख मांग रहा था, बोला अगर नहीं दिया तो तुम्हारी बहन की कुछ न्यूड फोटोज है वायरल कर देगा। अच्छा तो तुमने क्या बोला? देखिए सर, स्वाति मेरी सगी बहन है नहीं, मेरे माँ बाप ने ना जाने क्यों उसे अडॉप्ट कर लिया और सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी। और दूसरी बात, अब जब उसकी शादी हो गई है तो वो ब्लैकमेलर उसके पति को कॉल करे, मुझे नहीं, ये भी बोला था मैंने उससे। अच्छा तो तुमने और कुछ बोला हो या उसने? मैंने उल्टा उसे धमकी दी, अगर दोबारा मुझे कॉल किया तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। तुमसे मिलने से पहले हमने कुछ होमवर्क किया है। तुम्हारे माँ बाप के विल के अनुसार तुम्हारा स्वाति का बराबर का हिस्सा था, लेकिन तुमने तो स्वाति को एक छोटा सा घर बना के सौतेले भाई होने का फर्ज बड़े अच्छे से निभाया है। देखिए सर, ये हम दोनों भाई बहन के बीच का मामला है। स्वाति की मौत के बाद मुझे भी बहुत दुख हुआ, मुझे गिल्ट फीलिंग हुई, मैं उसे बचा सकता था, मगर उस वक्त शायद मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था। लेकिन मैंने स्वाति के हस्बैंड को उसका खोया हुआ शोरूम लौटाकर जितना मेरे से बना अपना फर्ज निभाया है। हाँ मैं घर पे जल्दी आ जाऊंगा, बना देना भिंडी या बैंगन जो भी हो, ठीक है? हाँ मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, एक मिनट। जी बताइए। सर टोल नाके के फुटेजेस आ गए, ये देखिए। तो ये है मास्टरमाइंड, अब इसकी खातिरदारी की बारी है। शातिर निकला तू तो, हमको ही घुमा डाला। अब चुपचाप बता दे कि तूने रोशन को क्यों मारा और इस स्वाति की वायरल पिक्चर के पीछे तेरा क्या हाथ है। सर आप ये क्या कह रहे हैं? सर सर मैं रोशन को क्यों मारूंगा? और स्वाति से तो मैं प्यार करता था, ये जानने के बावजूद भी कि उसकी शादी से पहले राजीव के साथ शारीरिक संबंध थे। अगर तूने कुछ नहीं किया है ना तो हमारी 3 बातों का जवाब दे दे और हम तुझे छोड़ देंगे। पहली बात, जिस दिन प्रजापति का मर्डर हुआ उस दिन तेरी गाड़ी ने रामनगर टोल क्रॉस किया 6 बजे और प्रजापति की गाड़ी ने 6:10 पर, क्या करने गया था वहां? दूसरी बात, तुम्हारी कॉल डिटेल्स में प्रजापति का नंबर क्या कर रहा है, वो भी उसकी मौत से 1 दिन पहले। और तीसरी बात, स्वाति के माँ बाप के फैमिली एडवोकेट से ये पता चला है कि तूने कई बार उनके विल के जानने की कोशिश की है, जब प्यार इतना ज्यादा था तो लालच कहां से आ गया? सीधे सीधे अपना जुर्म कबूलो या तो हम वो करेंगे जो सारे मुजरमों के साथ करते हैं। बताता हूँ सर, बोल बताता हूँ।
सर बहुत कर्जे में था मैं, बहुत कोशिश कर रहा था मेहनत करके अपना घर चलाने की, पर स्वाति के फिजूल खर्चे कम ही नहीं हो रहे थे। और मैं बोलता भी कैसे, जिस घर में हम रह रहे थे वो भी स्वाति के भाई का ही दिया हुआ था। वो मुझे मोटिवेट तो बहुत करती थी पर उसके खर्चे कम नहीं होते थे। यहां तक कि मैंने अपना शोरूम भी बेच डाला पर स्वाति नहीं बदली। इसीलिए तूने उसे सबक सिखाने के लिए इतनी बड़ी चाल चली? नहीं, ये बात अचानक से मेरे दिमाग में आई जब एक दिन उस प्रजापति ने मुझे फोन किया। हेलो, आप कान खोल के मेरी बात अच्छे से सुनो। तुम्हारी बीवी की कुछ बिना कपड़ों वाली फोटो मेरे पास है। इससे पहले कि मैं उन्हें किसी और को भेज दूं, मैं आपसे डील करके मामला खत्म करना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बताओ हो कौन तुम? कौन हो तुम? आपकी मैडम का पुराना आशिक का दोस्त। उसने हमारा कर्जा चुकाने के लिए हमको फोटो दी है। अब आप हमको पैसे देकर इज्जत खरीद लो अपने घर की। बकवास बंद करो तुम। और मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? कुछ सैंपल फोटो भेज रहा हूं, देख लो। बस 5 लाख, 1 रुपया ज्यादा ना कम। कहां कहां और कब मिलना है बोलो। कल रामनगर वाले जंगल में पुराने पुल के पास आ जाना। फिर मैंने सोचा कि जैसे प्रजापति ने मुझसे 5 लाख की मांग की, ठीक उसी तरह मैं भी स्वाति के भाई को फोन करके 5 की बजाय 50 लाख मांग सकता। फिर मैंने दोहरी चाल चली। मैं उस जगह पहुंच गया जहां प्रजापति ने मुझे बुलाया था पैसों का बैग लेकर। ये लो तुम्हारे पैसे। पहले मोबाइल दो। पहले पैसे फिर मोबाइल। मैंने स्वाति के भाई को आवाज बदलकर फोन किया और उसे ब्लैकमेल कर पैसों की मांग की। वो तो मुझसे भी तेज निकला। ब्लैकमेलर को मेरा ही पता बता दिया और कहा कि उससे पैसे ना लेकर मुझसे पैसे ले, और ऊपर से पुलिस को फोन करने की धमकी भी दी। इसी गुस्से में आकर तूने स्वाति का फोटो राजीव के फोन से वायरल कर डाला। गुस्से में नहीं सर, जानबूझकर। मुझे लगा जैसे ही मैं स्वाति की फोटो वायरल कर दूंगा उसे अपनी गलती का एहसास होगा और उस पर पछतावा करेगी। फिर मैं उसे सहारा दूंगा और उसे कहूंगा कि अपने भाई से मेरे लिए कुछ पैसे मांग के ला। मगर स्वाति ने दूसरा ही कदम उठा लिया। असल में पैसों के लालच में तू इतना अंधा हो गया कि तूने अपनी पत्नी की इज्जत का सौदा करना भी अजीब नहीं लगा। तूने ना केवल प्रजापति को मारा है बल्कि स्वाति की मौत का जिम्मेदार भी तू ही है। तूने अपनी पत्नी को आत्महत्या कर नहीं बल्कि उसका भरोसा तोड़कर मारा है।
सारी जिंदगी तू जेल में पत्थर तोड़ेगा। चल। हम हमेशा हर खूबसूरत लम्हे को कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं, लेकिन हर लम्हा हम कैद नहीं कर पाते। ऐसा ही हुआ था स्वाति और राजीव के बीच, एक ऐसी गलती जिसके चलते इतनी बड़ी साजिश ने रूप ले लिया और दो जिंदगियां खाक हो गई। साइबर क्राइम में अक्सर ऐसे ही मामले नजर आते हैं जहां कई लोगों को उनकी अश्लील फोटो दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता है। ये जुर्म आपकी मानसिक स्थिति को बर्बाद कर देता है और मजबूर कर देता है उसे कोई भी भयानक कदम उठाने को। देखिए, जब भी आप अपना फोन किसी को रिपेयरिंग पे देते हैं या बेचते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आप अपने मोबाइल का डेटा या सेव कर लें या उसे डिलीट कर दें। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपका जो डेटा है वो बचा रहता है, दूसरा जो भी साइबर क्राइम रिलेटेड प्रॉब्लम होती है आप इससे दूर रहते हैं। इस विचार के साथ आपसे आज्ञा लेता हूं और मिलता हूं हमारे अगले एपिसोड में। देखते रहिए जुर्म और जज्बात।